बस मोह से बचो। मोह पाप का पहला चरण है। व्यक्ति जिससे मोह रखता है उसके दुष्कर्म व्यक्ति को नहीं दिखते। अतएव निर्विकार रहो, प्रेम और द्वेष दोनों से बाहर। जो आज्ञा गुरुदेव। ध्यान रहे वत्स, तुम्हारा लक्ष्य अभी बहुत दूर है। तुम अभी भी परीक्षणों से गुजर रहे हो। काकोदर से कहीं अधिक शक्तिशाली असंख्य योद्धाओं से तुम्हें युद्ध करना होगा। अतएव सतत ऊर्जावान बनते रहो प्रकाश के लिए, तभी हार पाएगा अंधेरा। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मेरी हर सांस का उद्देश्य यही होगा। विजयी भव वत्स। गंगाधर, गंगाधर, देवी, आप? I'm very sorry. मुझे तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था। आखिर मैंने हार मान ली। प्लीज शक्तिमान, मेरी और प्रेम परीक्षा मत लो, प्लीज। लेकिन क्या शक्तिमान आपसे प्यार करता है? मेरा मतलब है कि क्या वो प्यार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? उसने खुद मुझसे कई बार कहा है कि वो एक आम इंसान है, और हर एक आम इंसान किसी ना किसी से तो प्यार करता ही है। वेल, वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते। वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते। वैसे कई बार आम इंसान प्यार नहीं करते। शक्तिमान, मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम ही गंगाधर हो, तुम ही शक्तिमान हो, और मुझसे, सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आप देवी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या मतलब देवी जी? मैं आज तुम्हारे रहस्य से पर्दा हटाने आई हूँ शक्तिमान। अब तुम शक्तिमान नहीं हो? हाँ, गंगाधर मेरा ही दूसरा रूप है। लेकिन तुम्हें दूसरा रूप धारण करने की क्या जरूरत थी? तुम शक्तिमान बनकर भी तो रह सकते थे। वास्तव में ये मेरे दो रूप नहीं, दो पहलू हैं, बल्कि दो स्वभाव हैं।
जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं, गंगाधर मेरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व है और मैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। जहां गंगाधर मेरा सहज साधारण सामाजिक जीवन जीने वाला रूप है, वहीं मैं साधना के उपरांत अंतर्मन से निकली हुई ज्ञान की ज्योति हूं। लेकिन तुम इस बात को लोगों से छुपाते क्यों हो? मैंने कभी नहीं छिपाया, हाँ बताया भी नहीं। क्यों? मेरे कहने पर भी तुमने क्यों स्वीकार नहीं किया? ऐसा ही आदेश है मेरे महागुरु का। लेकिन क्यों? तुम्हारे महागुरु ने तुम्हें ऐसा आदेश क्यों दिया? वक्त आने पर पता चल जाएगा। मुझसे भी यही कहा है मेरे महागुरु ने। लेकिन ये बात तो सच है ना कि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो? मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ये मैं कैसे कह सकता हूं? मुझे तो पूरे संसार से प्रेम है, उसी संसार में तुम भी हो। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूं, मैं व्यक्तिगत प्रेम की बात कर रही हूं। यह अचानक अंधेरा क्यों छा गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये कहां आ गया हूं? ये गीता, गीता कहां चली तुम? गीता, 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 रुको गीता। गीता, ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? कष्टक, दुनिया में कष्ट को बढ़ाने आया हूं, मेरे गुलाम बन जाओ।
rudnost nad muhou souru muha haus muha सालारों, आज वक्त आ गया है इस पूरी दुनिया को जीतने का। बहुत दिनों तक सोते रहे हम सब। उस भिक्षु को ओम लता के श्राप की वजह से, ओम लता के श्राप की वजह से। कशराज कशराज, कोमलता नाम की भिक्षुका ने सारे गांव वालों को मरने से बचा लिया है। कोमलता, चलो मेरे साथ। कशराज, यही है वो कोमलता जो गांव वालों को बचाती है। गांव वालों की हंसी और खुशहाली का कारण भी यही कोमलता है। ये कमजोर सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये मैं ही हूँ कशराज। अंतर्मन की दृष्टि खुलने के बाद देखने और बोलने के लिए बाहरी आंख या मुंह की जरूरत नहीं पड़ती। बंद करो ये हंसना। दर्शक को किसी की हंसी पसंद नहीं। मैं एक शांत आत्मा हूँ, मेरी शांति में व्यवधान मत डालो। हाँ, यदि शांति की तलाश में आए हो तो इस शांतिवन में तुम्हारा स्वागत है। आओ, आकर किसी भी शिला पर बैठ जाओ, तुम्हें शांति जरूर मिलेगी। मैं यहाँ बैठने नहीं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने आया हूँ। पूरी दुनिया में कष्ट और दुखों का साम्राज्य होगा। किसी को हंसने या मुस्कुराने नहीं देगा कष्टक। तुम मेरी गुलाम बन जाओ, वरना मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं।
तुम खुद अपनी इच्छा के गुलाम हो, दूसरों को क्या गुलाम बनाओगे कष्टराज? तुम्हारे भाग्य में केवल कष्ट ही लिखा है। तुम चले जाओ कष्टराज, मैं क्रोध में आकर अपना तपोबल नहीं खोना चाहती। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहां से। अष्टक के साथ तुम्हें भी जाना होगा लड़की, ले चलो इसे। तुम भूल कर रहे हो कष्टराज, लौट जाओ। जाओ, ले चलो इसे। मैंने कहा था ना कष्टराज, तुम भूल कर रहे हो। भूल तो तुम कर चुकी हो लड़की, कष्टक इसका इनाम जरूर देगा। तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी दुष्ट, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम और तुम्हारे सैनिक मूर्ति बन जाए, ये कोमलता का श्राप है। तुम तब तक मूर्ति बने रहोगे जब तक किसी शुद्ध आत्मा की लड़की तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तलवार वापस ना रख दे। और याद रखना, मेरे जैसे तपस्वी किसी ना किसी रूप में इस धरती पर अवश्य रहते हैं। तुम तब शायद उनके प्रकोप से ना बच पाओ। ये क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं सकता? और इस तरह अधूरा रह गया इस पूरी दुनिया पर फतह पाने का मेरा ख्वाब। इसीलिए जिंदा हुआ है कष्टक और जिंदा किया है तुम सब लोगों को दोबारा। भूमलता आज नहीं रही, मगर ये दुनिया आज भी है और कष्टक के बाजुओं में ताकत भी, बल्कि दमराज किलविश ने और भी ताकतों से नवाज दिया है हमें। आज हम खुद को, तुम्हें, किसी और को कभी भी गायब करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। भूमलता के श्राप का बदला हम पूरी दुनिया से लेंगे, बढ़ा देंगे दुनिया में कष्ट और दुखों को। आज हमें इस दुनिया को फतह करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये दुनिया हमारी गुलाम होगी या फिर देंगे हम इसे मौत। इसीलिए तुम सब तैयार हो जाओ जंग के लिए। हम तैयार हैं। मगर तमराज किलविश का आदेश है, इस बार हमें जंग का तरीका बदलना होगा, विज्ञान को बनाना होगा अपना हथियार। इसीलिए हम सब फैल जाएंगे चारों तरफ और देखेंगे कैसे बना सकते हैं विज्ञान को अपना हथियार। और साथ ही पता लगाओ शक्तिमान नाम के शख्स का, सुना है वो कोमलता से भी बड़ा तपस्वी है और उसी की तरह इस दुनिया में शांति फैलाने आया है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो, इसके पहले कि वो हमें कोमलता की तरह मात दे दे, हम उसे अपना गुलाम बना देना चाहते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं शक्तिमान को। अंधेरा कायम रहे।